भारत और बांग्लादेश वनडे सीरीज के लिए तीन खिलाड़ी इंजर्ड हो गए हैं, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं। उन तीन खिलाड़ियों का नाम है दीपक चहर, कुलदीप सेन और रोहित शर्मा। इन तीनों की इंजरीज पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तीनों ही पूरी तरह फिट अब नहीं है तीसरे वनडे में हिस्सा लेने के लिए। और मैं पूरी बाइट आपको सुनाऊंगा कि क्या राहुल द्रविड़ का कहना है, लेकिन ये मौका जनरेट करता है, मौका उत्पन्न करता है युवाओं के लिए। अगर आप जो स्क्वाड है उस पर नजर डालें तो आपको ये समझ में आएगा कि स्क्वाड में बहुत ज्यादा विकल्प है नहीं, बचे नहीं है। जब ये तीन खिलाड़ी भी उसमें से हट जाएंगे तो आप किन तीन खिलाड़ियों को खिलाएंगे? देखिए, एक इसमें से दो खिलाड़ी जो हैं वो प्लेइंग 11 के खिलाड़ी थे, यानी दीपक चहर की जगह पर आपको एक गेंदबाज शामिल करना होगा। लेकिन जब आप स्क्वाड देखते हैं तो स्क्वाड में कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो उनकी जगह ले सके, यानी तेज गेंदबाज कोई बचा ही नहीं है। तो ऐसे में कौन उनकी जगह पर शामिल होगा? उनकी जगह पर शाहबाज अहमद ही एक नाम ऐसा समझ में आता है जो छठे गेंदबाज का रोल निभा सकते हैं। लेकिन क्या फिर भारत जो है वो ऐसे ही जाना चाहेगा, या फिर एक बल्लेबाज को वो शामिल करना चाहेगा और पांच गेंदबाजों के साथ जाएगा? लेकिन इसमें फिर टॉप ऑफ द ऑर्डर रोहित शर्मा भी नहीं है अवेलेबल थर्ड ओडीआई के लिए, तो ऐसे में ईशान किशन का खेलना लगभग तय है। अब बचती है बात जो स्क्वाड को अगर आप देखें, रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत तो अब इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर भी नहीं है, सिराज हैं, ईशान किशन, राहुल त्रिपाठी, रजत पाटीदार, कुलदीप सेन नहीं है। तो अब आपके पास राहुल त्रिपाठी और रजत पाटीदार में से दो नामों में से आपको एक चयन करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन तीनों को खिलाना चाहिए। राहुल त्रिपाठी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, रजत पाटीदार को भी पिछली एक दो सीरीज में मौका नहीं मिला है। ऐसे में क्या आप शिखर धवन और विराट कोहली सरी के जो बल्लेबाज हैं उनको बिठाएंगे और इन दोनों को मौका देंगे और ईशान किशन से ओपनिंग करवाएंगे? ये एक विकल्प है। और शाहबाज अहमद को भी आप शामिल करें बतौर छठे गेंदबाज के तौर पर, तो ये आपकी 11 हो सकती है। लेकिन जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि क्या कहना है राहुल द्रविड़ का, वो भी आप सुन लीजिए, क्योंकि उन्होंने इस पूरी इंजरी एपिसोड पर क्या कहा है ये देखिए। Rohit as well is three missed the next game, fly back to Bombay and consult with an expert and see how it is and whether he can come back for the test matches or not. I'm not sure. I'll be getting some bit more to the year. But certainly, I've got a match to both each and final. He's not each and final.